The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Forensic Classes by Diksha and make your NET Forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. Application के लिंक आपको description में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे download कर सकते हैं. आप Play Store से भी इसे download कर सकते हैं and App Store से भी इसे download कर सकते हैं. जैसे आप application download करेंगे, आपको login करना होगा. login करने के बाद आप store पे click कर सकते हैं. store में आपको course list मिलेगी. इस course list में से आप अपना desired course select कर सकते हैं and enroll कर सकते हैं. For example, अगर मैं Forensic Science and Net की preparation कर रही हूँ, तो मैं Forensic Science Net का course select करूँगी. अगर मैं Criminology की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ या मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल है. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल है. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की कर रहे हैं फॉरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. फॉरगेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं, video lectures, PDF, study material, mock test, PVRC और question paper, everything. Study material course में आपको सिर्फ और सिर्फ study material, previous year question papers और mock test मिलते हैं, video lectures उसमें included नहीं होते हैं. So that's the basic difference between video lecture course and study material course. So it's clear now, you can join these classes according to your preparation and start preparing with us. Hi everyone, welcome to today's class. और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं रेसिडिविज्म, रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द क्रिमिनोलॉजी. आपके क्रिमिनोलॉजी से. ओके, क्रिमिनोलॉजी से आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेसिडिविज्म. सो रेसिडिविज्म क्या होता है ये हमें पढ़ना है. सो अगर मैं सिंपली टर्म में आपको समझाऊं कि रेसिडिविज्म क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ टर्म, रेसिडिविज्म इज़ अ टर्म वी यूज़ फॉर पीपल उन लोगों के लिए हम यूज़ करते हैं हु रिपीट्स देयर क्राइम, ठीक है, वो क्राइम रिपीट करते हैं. ऐसा नहीं कि सेम क्राइम बार बार करेंगे, बट वो कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हो सकती है, वो बार बार क्रिमिनल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर कोई भी क्राइम करते हैं. क्राइम कर लिया, अगर पकड़े गए, सेंटेंसिंग हो गई, जेल भी हो गई, 2-3 साल जेल काट के जब बाहर आएंगे तो फिर से क्राइम करेंगे. ऐसा नहीं है. यूजुअली ऐसा होता है कि अगर किसी को जेल होती है, बाहर आने के बाद वो वापस से सोसाइटी में रिहैबिलिटेट हो जाते हैं और फिर से क्राइम नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर हम क्राइम करेंगे तो वापस से जेल चले जाएंगे. पर जो ये रेसिडिविस्ट, अब वो सारे ऐसे लोग जिनको मैंने बोला कि रेसिडिविज्म इज अ टर्म वी यूज फॉर पीपल, तो ये जो लोग हो गए, ये जो पीपल हो गए, दे आर आल्सो कॉल्ड एज रेसिडिविस्ट. अब ये जो रेसिडिविस्ट है, ये बार बार क्राइम कमिट करते हैं. वी कैन से वी कैन यूज दिस टर्म फॉर पीपल हु आर रिपीटर्स ऑफ क्राइम, ठीक है, क्राइम रिपीटर्स होते हैं. अगर हम इस वर्ड की ओरिजिन की बात करें, सो इस वर्ड की ओरिजिन की अगर हम बात करें, तो दो ओरिजिन आप कह सकते हो. दो कैसे, मतलब सेम टर्म फ्रेंच ओरिजिन भी है और लैटिन भी है, फ्रेंच भी है लैटिन भी है. तो लैटिन का जो टर्म है रेसिडिविस, इससे ओरिजिनेट होता है, और फ्रेंच का भी सिमिलर टर्म है रेसिडिविज्म. ठीक है, इन दोनों का ही मतलब क्या होता है, इन दोनों का ही मतलब होता है रिटर्निंग और रीअकरिंग. रिटर्निंग और रीअकरिंग, है ना, क्योंकि ये बार बार ऑफेंस कर रहे हैं, बार बार क्राइम कर रहे हैं, दे आर ऑफेंडर्स. और अगर हम थोड़ी और हिस्ट्री की बात करें, या फिर थोड़ा और हम अगर हिस्ट्री पे जाएं कि कैसे वर्ड ओरिजिन हुआ, तो 19th century में, ठीक है, यहीं कहीं पे लिख देते हैं. ओके फाइन, यहीं पे हम एक बॉक्स बनाते हैं एंड देन वी विल राइट द इम्पोर्टेंट
थिंग्स रिलेटेड टू दैट. सो 19th सेंचुरी में, बहुत पहले की बात है, 19th सेंचुरी में क्या हुआ, जो फ्रेंच थे उन्होंने इस फ्रेंच लैटिन नेम को बोरो किया. और सो इनिशियली ये कहते थे टू रिलैप्स इनटू सिन और क्राइम. इसका मतलब क्या होता है, रेसिडिविज्म का मतलब क्या होता है, टू रिलैप्स इनटू सिन और क्राइम. ठीक है, तो पहले क्राइम को सिन भी मानते थे, है ना, हमने डिस्कस किया हुआ है कि पहले अगर कोई बंदा क्राइम करता था तो हम ये मानते थे कि किसी काली शक्ति का साया है, इस वजह से इस तरीके के क्राइम्स रिपीटेडली कर रहा है. बट बाद में हमको समझ में आया कि ऐसे कोई साया वाया नहीं है, इस पर्सन के साथ ही समथिंग इज रॉन्ग, दैट्स व्हाई दैट पर्सन इज कमिटिंग सम क्राइम. ओके, सो इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, अब हमको देखना है कि व्हाट इज रेसिडिविज्म और उसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स. सो एज आई सेड, एक डेफिनेशन हम देख लेते हैं. रेसिडिविज्म इज द एक्ट ऑफ अ पर्सन. अब इस पर्सन को हम रेसिडिविस्ट बोल सकते हैं इफ दैट पर्सन इज रिपीटिंग एन अनडिजायरेबल बिहेवियर. अब ये जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है, ये डेविएंट बिहेवियर हो सकता है, ये कोई भी क्रिमिनल बिहेवियर हो सकता है. ठीक है, सो क्रिमिनल बिहेवियर है, डेविएंट बिहेवियर, स्पेशली अगर वो रिपीटेटिव है या फिर रिपीट पे वो पर्सन बार बार वही एक्टिविटी कर रहा है जो कि अनडिजायरेबल है, जो कि क्रिमिनल बिहेवियर है. आफ्टर दे एक्सपीरियंस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, इवन इसके भी बाद में भी वो वही काम कर रहे हैं, उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस झेल चुके हैं, सजा काट चुके हैं, उनको अपना जो भी क्राइम किया है उसकी सजा मिली, और वो सजा काटने के बाद भी वो सेम, दे कीप ऑन डूइंग दैट सेम थिंग. मतलब सेम थिंग इन मीन्स क्रिमिनल एक्टिविटी. ऐसा नहीं है कोई पर्सन है तो वो हर बार, अगर कोई पर्सन चोरी कर रहा है तो वो हर बार चोरी करेगा, हो सकता है वो बाद में मर्डर भी कर दे. बात यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्राइम की हो रही है. ठीक है, सो वो रिपीटेड ऑफेंस करना चाहिए, स्पेसिफिक कोई एक टाइप का ऑफेंस नहीं होता है इसका, मतलब रेसिडिविज्म का. ठीक है, रेसिडिविज्म रेफर्स टू एन ऑफेंडर्स रिलैप्स इनटू क्राइम. We can say recidivism refers to an offender's relapse into criminal behavior. That's it. Now we have some important elements. So, सबसे पहले क्या होना चाहिए recidivism में? It needs to have a starting event. कोई एक ऐसा event होना चाहिए जिसमें सबसे पहली बार उस बंदे ने crime किया है. Such as release of the criminal custody. मतलब crime किया है, सजा मिली और पहली बार release हुआ है. और अपना जो जो भी सजा है वो काट के वो वापस से रिहैबिलिटेट होने की कोशिश कर रहा है सोसाइटी में. सो दैट इज द फर्स्ट इवेंट. सो सबसे पहला क्राइम, सबसे पहली सजा, और उसके बाद फिर सजा काट के वो अपना जो भी कंप्लीशन करके क्रिमिनल कस्टडी को वो रिलीज हुआ है, ये पहला इवेंट होना चाहिए. सेकेंड, देयर नीड्स टू बी सम फेलियर आफ्टर दिस इवेंट. फेलियर किसका फेलियर? रिहैबिलिटेशन का फेलियर. सोसाइटी में रिहैबिलिटेट नहीं हो सके तो इट्स अ फेलियर. Such as subsequent arrest or subsequent arrest for a violent crime. अब society में rehabilitate नहीं हो पाए, फिर से criminal activity में involve हो गए, crime में involve होने के बाद पकड़े भी गए. So this is the time of failure. You can say this is the second thing. Then we have thirdly, there needs to be a recidivism window or a follow-up period under which an offender further commits some crime. ठीक है, सो अगर थर्ड टाइम्स भी अगर वो बंदा सेम, अगर थर्ड टाइम भी वो बंदा क्राइम कमिट कर रहा है, इट मींस दैट पर्सन इज एन रेसिडिविस्ट ऑलरेडी. तो ये तीन चीज़ें, तीन एलिमेंट होनी चाहिए. सबसे पहले तो एक स्टार्टिंग इवेंट होता है, उसके बाद उस इवेंट का फेलियर, मतलब सजा काटने के बाद भी सजा इस वजह से दी जाती है कि कभी आगे चल के वो पर्सन फिर से क्राइम ना करे. बट अगर वो फिर से क्राइम कर रहा है, दैट इज द फेलियर. देन वी हैव थर्ड, आप ये बोल सकते हो, देन वी हैव थर्ड ऑफेंस, देन वी हैव थर्ड कन्विक्शन. थर्ड कन्विक्शन में आपको ये पता चल जाता है कि ये जो पर्सन है, ही और शी इज अ रेसिडिविस्ट नाउ, तो फिर हम उनको रेसिडिविस्ट की कैटेगरी में करते हैं. ओके, सो ये वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ रेसिडिविज्म डिस्कस किया है. इन अपकमिंग क्लासेस वी विल डिस्कस सम मोर टॉपिक्स रिलेटेड टू दैट एंड कॉजेस ऑफ रेसिडिविज्म भी हम देखेंगे. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास एवरीवन. व्हाट इज रेसिडिविज्म? रेसिडिविज्म का ओरिजिन, स्मॉल पोर्शन ऑफ हिस्ट्री, 19th सेंचुरी से हमने ये समझना शुरू किया था. इंट्रोडक्शन एंड
important elements related to recidivism. Thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye.